तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार टेक्टोटेबल चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप रिलेटेड सेटिंग जो शायद आपको नहीं पता और ये बहुत ही काम लगने वाला है अगर आप मोबाइल प्राइवेट में काम लगने वाला है। हो सकता है कि ये सेटिंग आपको पता हो, अगर नहीं पता हो तो जब वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को इन तक और देखते रहिए टेक्नोटेबल चैनल। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस सेटिंग का क्या मतलब है और इस सेटिंग से करने से क्या फ़ायदा होगा वो सब आपको बताएंगे। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे और दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट राइट कॉर्नर में ले होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है कि सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। और प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आपको क्या रीड रिसिप्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि जैसे कि आप लोग मैसेज आप किसी के पास सेंड किए तो बड़ी आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे मैसेज में ब्लू टिक लग जाता है डबल, तो वो ब्लू टिक नहीं लगेगा अगर इसको ऑन कर देंगे तो, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देखें। और उसका किसी के पास मैसेज भेजाया तो ब्लू टिक नहीं लगेगा, और वो कुछ किसी ने मैसेज भी पठाया और आप पढ़ लिए लेकिन ब्लू टिक नहीं लगेगा, इससे पता नहीं चलेगा। दोनों तरफ ये दोनों तरफ यूज होता है। और उसके बाद आप व्हाट्सएप में स्टेटस लगाएंगे तो वो भी कोई देखेगा तो आपको नहीं पता चलेगा, और आप भी किसी और को स्टेटस देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। ये दोनों साइड में अप्लाई आपको होता है तो तो ओके दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।